वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट टू की वीडियो है कूलिंग वाटर या रॉ वाटर की वाटर टेस्टिंग से रिलेटेड। अगर आपने पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले आप उस वीडियो को देखें फिर आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। ये वीडियो बनाना, इसके अंदर हम दो चीज़ों को टेस्ट करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम और क्लोराइड का तरीका आपको प्रैक्टिकल, यानी कि अगर आप कूलिंग वाटर की वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम और कूलिंग वाटर के अंदर कितने कैल्शियम हैं और कूलिंग वाटर के अंदर कितने क्लोराइड हैं, इसका तरीका हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो पहली वीडियो के अंदर हमने आपको पीएच टीडीएस और साथ में कूलिंग वाटर की अल्कलिनिटी के लिए हमने जो तरीका बताया था उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ किया था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी और उसका रिजल्ट हमने कैसे हासिल किया था। इसी तरीके से इसके अंदर हम कि आपने कैल्शियम चेक करना है, कैल्शियम पानी के अंदर कितने हैं और क्लोराइड कितने हैं, और आपको इस मकसद के लिए आपको कौन सा केमिकल रिक्वायर्ड होगा, ये आपको कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि एचवीएसी से रिलेटेड मजीद जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने केमिकल टेस्टिंग वगैरह करनी होती है तो आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिनमें आपके सामने ये बीकर्स हैं, कीप्स हैं, क्योंकि आपने सैंपल्स वगैरह लेने होते हैं टावर के पानी के, वाटर के। तो वाटर टेस्टिंग के लिए ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बीकर्स हैं, कीप हैं, क्विनिलिकल क्यूफ है, ब्यूरो ट्यूब होती है, तो उसके साथ साथ केमिकल जो जिनसे हमने चेक करना है, ये आप देख रहे हैं बफर्स वगैरह हैं, इंडिकेटर हैं, पीएच और टीडीएस मीटर, ये तमाम इक्विपमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए जिसके अंदर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, कैल्शियम इंडिकेटर्स हैं, कैल्शियम बफर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास। ये कौन कौन सी बेसिकली इनके जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनके नेम क्या क्या हैं। वो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम सबसे पहले करेंगे कैल्शियम की, पानी के अंदर कूलिंग टावर के पानी के अंदर कितने कैल्शियम है। ये बेसिकली हम एसिडिटी टेस्ट कर रहे हैं। फोटोलैनिक टेस्ट वगैरह होते हैं वो लैब्स के अंदर होते हैं, तो हम एसिडिटी टेस्ट कर रहे हैं यानी कि एसिड्स की मदद से। ये एडिटी है, H2SO4 है, सिल्वर नाइट्रेट है, डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हम मिक्स करके एक क्वांटिटी के अंदर वो भी, और इनसे हम फिर रिजल्ट हासिल करेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो लेके जाते हैं कूलिंग टावर से सैंपल लेके आते हैं पानी का। इसके लिए हमारे पास कुछ बीकर्स हैं, इनको ले लेते हैं, छोटे बीकर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, इनको हमने टावर में, अच्छा ये पानी की मेयरमेंट होती है लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको भर लेंगे। तो 10 ml जो पानी होता है वो यूज़ करना होता है, जो ये आप देख रहे हैं हमने ये पानी का सैंपल ले लिया, कूलिंग टावर से डायरेक्ट ले लें आप, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसका सैंपल लेके अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 10 ml वाटर इसमें से निकाल लेंगे। ये छोटे बीकर में मज़ीद हमने 10 ml सैंपल ले लिया, तो इस 10 ml को हम क्विनिलिकल कीफ में डाल देंगे क्योंकि हमने अब इसकी टेस्टिंग करनी है। बेसिकली हमने इसके कैल्शियम चेक करने हैं कि पानी के अंदर कैल्शियम, सबसे पहले ये आप देखें कैल्शियम बफर। ये कैल्शियम बफर बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसके बाद हम इसमें ये कितना डालना है, 3 से 4 आपने ड्रॉप डालने हैं कैल्शियम बफर के। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैल्शियम इंडिकेटर जो कि एक बेसिकली म्यूरोक्साइड है, म्यूरोक्साइड है कैल्शियम इंडिकेटर। तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा वॉयलेट, ये आप देख रहे हैं आपके सामने कलर चेंज हो गया वॉयलेट में। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे विद EDTA। अब EDTA हम इसमें डाल रहे हैं, अच्छा अब EDTA केमिकल है एक, इसको कलर चेंज करेगा टू पर्पल। जैसे ही आपका कलर चेंज होगा तो जितना आपने, ये आप देख रहे हैं ये पर्पल में चेंज हो गया, वॉयलेट से पर्पल में चेंज हो जाएगा, तो जितना आपने इसके अंदर EDTA मिक्स किया है वो उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी हमने इसको 3.8 ml हमने इसको डाला है, तो ये इसका कलर पर्पल में चेंज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 380 जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट है PPM में आ जाएगा इसके पार्टिकल्स के अंदर, ये आप देख रहे हैं। तो जितना हम इसमें EDTA डालेंगे, ये भी केमिकल है, तो अब हम इसको रीडिंग को बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपकी रीडिंग आएगी 100 से, तो ये हो गया। अब हमारा रिज़ल्ट आया 380 ml पार्टिकल्स हैं PPA, यानी कि कैल्शियम इसके जो क्वांटिटी है वो 380 है इसके अंदर। तो अब हम इसको चेक करते हैं कैल्शियम इसके अंदर क्लोराइड की कितनी मिकदार होती है अब उसके टेस्ट के लिए।
पानी के अंदर जो कूलिंग वाटर है, बेसिकली आपने कूलिंग वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं या किसी भी वाटर की, रॉ वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब हम टेस्ट करेंगे कि उसके अंदर क्लोराइड की कितनी मिकदार है। यानी कि आपने किसी भी पानी की मिकदार में चेक करनी है कि क्लोराइड की क्या मिकदार है। तो उसके लिए भी वही सीक्वेंस है कि आपने उतना ही सैंपल लेना है 10 ml। तो साथ साथ दोस्तों हम वीडियो भी बना रहे हैं, साथ साथ छोटी सी रिक्वेस्ट भी करते जाते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हम HVAC से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम पानी के अंदर क्लोराइड की मिकदार टेस्ट करने के लिए सैंपल लेंगे। 10 ml हम पानी क्लिनिकल कीफ में डाल लेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 ml पानी लेंगे सैंपल के तौर पर। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसमें से हमने, क्योंकि कूलिंग टावर से हमने पानी का सैंपल लिया था, तो अब हम इसको डाल लेंगे क्लिनिकल कीफ में। क्लिनिकल कीफ के बाद अब इसके अंदर हमने जो ऐड करना है वो है जी पोटेशियम क्रोमेट। इसके हमने 3 से 4 ड्रॉप, ये आप देख रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 3 से 4 ड्रॉप पोटेशियम क्रोमाइट के। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन में। तो अभी हम इसको, ये आप देख रहे हैं, इसका कलर चेंज हो गया ग्रीन में। 3 to 4 ड्रॉप हमने इसमें डाले पोटेशियम क्रोमाइट के, तो कलर चेंज हो गया ग्रीन में। अब इससे जो नेक्स्ट है, इसमें जो केमिकल डालेंगे वो AgNO3, यानी कि ये बनता है फार्मूला सिल्वर नाइट्रेट का। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे, इसको सक्शन करना बड़ी एहतियात से, इसको कलर चेंज इसको डालते जाएंगे, ताकि इसको डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट को इसके अंदर, तो जब तक कलर ब्राउन ना हो जाए आपने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट को डालते जाना है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको डाल रहे हैं तो आपका कलर ब्राउन में शिफ्ट हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, आपने इसको मेयर करना है, साथ में रीडिंग लाजमी, आपने ब्यूरो ट्यूब के ऊपर रीडिंग होती है, आपने रीडिंग नोट करनी है कि भैया आपने इसके अंदर कितना सिल्वर नाइट्रेट डाला है। जितना सिल्वर नाइट्रेट आप डालेंगे उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये हो जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो इसके अंदर हमने 2 ml वो बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट डाला है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 200 हमारे पास रिज़ल्ट हो गया क्लोराइड का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस तरीके से आप इसकी वाटर टेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को